अगर सरलता से देखोगे हमारे अपने संबंधों में हर एक के घर में से होता है, दादा दादी नाना नानी के साथ उनके पोते पोती और नाती का संबंध एवरेज 25 साल रहता है, अपनी बेटी का संबंध भी पिता के साथ एवरेज 25 साल रहने वाला, लेकिन पिता का पुत्र के साथ, पति का पत्नी के साथ एवरेज 50 साल निकलने वाले, और इसके बाद वापस वही क्रम आने वाला, जब पुत्र दादा बनेगा नाना बनेगा फिर 25 साल एवरेज उसके संबंध रहने वाले। और मेडिकल साइंस के लोग बैठे हैं, हम तो सब जानते हैं इस व्यवस्थाओं के लिए भी, और वैसे तो हमारा आदिकाल से सड़क संहिता में जो उल्लेख स्पष्ट रूप से लिखा है कि हरेक के जीवन में जब मृत्यु से संपर्क होना ही है तो मृत्यु कैसी होना चाहिए, मृत्यु हमको जीते जी पके हुए फल की तरह पेड़ से नीचे आ जाए, कल्पना तो वो की गई, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे जीवन में जो विकार आते हैं और विकार के कारण से ये जो हमको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, और आधुनिक समय में हॉस्पिटल वास्तव में ये अपना हॉस्पिटल खोलना एक सामान्य बात, लेकिन हॉस्पिटल अगर मेडिकल कॉलेज हो तो वाकई में आपको बधाई दूंगा, जोरदार अभिनंदन करो हमारे करण सिंह जी के लिए जिनने कहा है कि हमारे द्वारा जैसे हम अपने व्यापार व्यवसाय कई काम करते हैं करते जाते हैं, लेकिन ये जो नया पौधा लगाया जिसने ग्वालियर की कीर्ति प्रसिद्धि में भी एक अलग से आवाज जोड़ी है, और वो भी किसान परिवार से निकल कर जो स्वयं चिकित्सक नहीं है, स्वयं के जीवन में लेकिन बेटे की स्मृति में भी एक पवित्र संकल्प लिया, ये जो पवित्र संकल्प है ये युग युगों तक याद रहेगा। इतना बड़ा कैंपस वास्तव में देख के आनंद आ गया, मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं हमारे अपने किसान परिवार से निकल करके अलग से व्यवसाय करते करते जो आपकी पवित्र भावना है, मैं उस भावना का सम्मान करता हूं, और सरकार के मुखिया होने के नाते मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। ऐसे ही लोग आगे आने की जरूरत है हमारे बीच में। कोविड का कठिन काल याद कर लो, कितना खराब समय था, पूरे दुनिया में हाहाकार मचा था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार तालियां बजाकर के जिनके बलबूते पर उनने भारत के संसाधन से भारत की बौद्धिक क्षमता के भरोसे से जनता को विश्वास दिलाया और समान रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। उस विस्तार में हमको मालूम पड़ा है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर की कीमत क्या होती है। एलोपैथिक के डॉक्टर को दुर्भाग्य से उस समय जब तक दवाई नहीं आई, लेकिन काढ़ा पीकर के आयुर्वेद वालों के माध्यम से भी लोगों की जान बचाई, लेकिन जब टीके लगाए तो टीके के माध्यम से पूरे देश की नहीं दुनिया के लोगों की जान बचाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जियो और जीने दो के सिद्धांत को कहानी बोला ही जाता करके दिखाया था, और एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ करके उनको टीका लगाया, और टीका भी ऐसा लगाया हमारे यहां तो फ्री लगाया। आमतौर पर इसमें बहुत आरोप लगते हैं, लेकिन किसी से भी 5 रुपए नहीं लिए, फ्री में हर एक व्यक्ति के लिए टीका लगाना, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में एकमात्र देश भारत है जिनने इस तरह से अपनी मदद की थी। ऐसे समय में हमको हॉस्पिटल याद आ रहे थे, सारे हॉस्पिटल फुल थे, अंदर जाए तो वाकई ये मंदिर से बढ़कर के ऐसा लगेगा सच्चा साक्षात भगवान का घर हमको मिल रहा है, और नाम भी कितना अच्छा रखा है, नाम अपने आप में देवता से जुड़ता है, देवराज, और देवता और देवराज का मतलब ही जो देने में विश्वास करे, नहीं तो देवता को देवता नहीं देवता कह सकते, लेकिन जो देवराज के रूप में भाव बनाया है ये पवित्र भाव का आपने जीवन दे दिया। मैंने अपनी ओर से कोटि से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।